कभी भी आ सकती है जोशीमठ में बड़ी तबाही, देखते देखते जमीन में समा सकते हैं हजारों घर। 57 साल से लापरवाही ना की गई होती तो आज जोशीमठ की ये हालत ना होती। 87 साल पहले भविष्यवाणी, किताब में लिखी है खत्म होने की पूरी कहानी, क्या आप नहीं हो पाएंगे बद्रीनाथ के दर्शन। 63,000 इंसान, 98 गांव, 12,000 घरों पर खतरा भारी, टूट गया मंदिर, क्या कोई आपदा है आ रही। केदारनाथ में फटे थे बादल, जोशीमठ में धरती फटने से हाहाकार, विज्ञान ने भी मान ली हार, फिर मोदी के सिपाही ने संभाली कमान। उत्तराखंड में पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने के अंतिम पड़ाव जोशीमठ के लोगों में दहशत है, घरों में दरारें आ रही हैं, मंदिर गिर रहे हैं, लोग अपने आशियाने को छोड़ने पर मजबूर हैं। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले इस शहर में अब धरती फट रही है और उसमें से पानी निकल रहा है। आज से करीब 50 साल पहले इस बात की चेतावनी पहले दे दी गई थी कि जोशीमठ धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन उस वक्त तमाम सरकारें सोती रहीं। अब सवाल उठता है कि जिस धरती से महाभारत काल में लक्ष्मण को बचाया गया, अब उसे कौन बचाएगा? क्या सच साबित होने वाली है वो भविष्यवाणी कि कलयुग में कोई भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएगा? कैसे मोदी के सिपाही अब जोशीमठ को बचाने की मुहिम में लग गए हैं? जोशीमठ में चल रहे इस भयानक मंजर को समझने के लिए आपको पहले इसका इतिहास जानना बेहद जरूरी है, फिर आपको समझ आएगा कि कैसे वो 87 साल पुरानी भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। तो सुनिए जोशीमठ की कहानी। जोशीमठ का प्राचीन नाम कार्तिकेयपुर था। उस समय जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। आदि शंकराचार्य जब चारों धामों की स्थापना के लिए भ्रमण कर रहे थे, उस समय उन्होंने जोशीमठ में एक शहतूत के वृक्ष के नीचे तप किया था और यहाँ उन्हें ज्योतिष ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए जोशीमठ को ज्योतिर्मठ और ज्योतिष पीठ के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि पहले जोशीमठ समुद्र पर स्थित था, जब ये पर्वत के रूप में खड़ा हुआ तब भगवान नरसिंह ने इसे अपनी तपस्थली बनाया था। इतना ही नहीं, जोशीमठ को लेकर एक कहानी ये भी है कि यहाँ पर रामायण काल में हनुमान जी का आगमन हुआ था। लक्ष्मण जी जब मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में यहाँ आए थे। हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने कालनेमी नाम के असुर को भेजा था। हनुमान जी ने जोशीमठ में ही कालनेमी का वध किया था। जहाँ पर कालनेमी को हनुमान जी ने मारा था, वहाँ की जमीन आज भी लाल कीचड़ जैसी दिखती है। महाभारत काल में हनुमान जी ने पांडवों को यहाँ दर्शन दिए थे। ऐसी भी मान्यता है कि अज्ञातवास काल में स्वर्ग यात्रा के समय पांडव जोशीमठ होकर ही गए थे। आज भी लोग इस घटना की याद में फसल की कटाई के बाद पांडव नृत्य करते हैं। ये तो महाभारत की कहानी थी, लेकिन अब हम आपको कलयुग की उस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जिसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए गए थे। जोशीमठ मंदिर में भगवान नरसिंह की एक प्राचीन मूर्ति है। भगवान नरसिंह की इस मूर्ति का बाजू सामान्य है, जबकि दूसरा बाजू काफी पतला है और ये साल दर साल और पतला होता जा रहा है। बताया जाता है कि जिस दिन नरसिंह भगवान का पतला हो रहा हाथ टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा। उस दिन नर और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे। उस दिन बद्रीनाथ जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। भक्त भगवान बद्रीनाथ के दर्शन उस मंदिर में नहीं कर पाएंगे जहां पर इस वक्त भगवान बद्रीनाथ भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। बताया जाता है बाजू के टूट जाने से बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उसके बाद भगवान बद्रीनाथ भक्तों को केवल भविष्य बद्री में ही दर्शन देंगे। दरअसल भविष्य बद्री एक शिला है जिस पर अभी अस्पष्ट आकृति है। कहते हैं भगवान की यह आकृति धीरे धीरे उभर रही है। जिस दिन ये आकृति पूरी तरह से उभर कर आ जाएगी, उस समय भगवान बद्रीनाथ भविष्य बद्री में ही भक्तों को दर्शन देंगे। ये तो जोशीमठ से जुड़ी हुई कहानियां थी, लेकिन हम आपको उस चेतावनी के बारे में बताते हैं जो सालों पहले दी जा चुकी है। दरअसल साल 1976 में मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि जोशीमठ धीरे धीरे डूब रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भी सरकारें सोती रहीं। इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 50 साल पहले दी गई उस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही एनटीपीसी की निर्माणाधीन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार है। इसके अलावा हेलांग विष्णुप्रयाग बाईपास की खुदाई को भी इस समस्या का कारण माना जा रहा है। जब केदारनाथ आपदा आई थी, लाखों लोग मारे गए थे, उस वक्त भी इस तरह की बातें सामने आई थी। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधाओं के लिए यहाँ तेजी से व्यावसायिक निर्माण हो रहे हैं। यहाँ ऐसे कई होटल हैं जो 5 से 7 मंजिला तक बनाए गए हैं। खास बात यह है कि 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बावजूद सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यहाँ रह रहे लोगों को आज भुगतना पड़ रहा है। जोशीमठ में बड़ी तबाही की दहशत के बीच पहला हादसा सामने आया। यहाँ शुक्रवार शाम को एक मंदिर ढह गया। हालांकि घटना के बीच किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस हादसे के बाद लोगों के भीतर बड़ी तबाही की आशंकाएं डर पैदा कर दिया है। इस मामले में केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी बनाई है। ये कमेटी जोशीमठ में आई इस आपदा का आकलन करके रिपोर्ट सौंपेगी। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हैं। आपका इस आपदा को लेकर और सरकारों की लापरवाही को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।